In last lecture, we have done this sum till the working note. We have discussed this question in last lecture and we have solved all important working notes based on this question. So, kya kya important working notes tha? Working note number one, that is profit or loss on sale of plant. Then, working note number two, plant and machinery ka account. And isme beta accumulated depreciation tha, provision for depreciation. So, provision for depreciation account bhi aapne banaya. Usme bhi jo bhi aaya aapka. करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 4000 आ गया, ये सब हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में और बनाया भी। फिर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया आपने वर्किंग नोट में, उसमें भी आपका जो बैलेंसिंग फिगर है करंट ईयर का कितना प्रोविजन आया वो भी देख लिया आपने। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, मतलब सारे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स डन इन लास्ट लेक्चर। अब मेन अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट अरेंज करना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा याद रखना हेल्प्स इन व्हाट डिसीजन मेकिंग। So let's get ready to solve our cash flow statement, to make our cash flow statement. So format done directly. Cash flow statement for the year ended 31st March 2017. Number particulars, inner column amount, outer column amount. So first one is what cash flow from operating activities. Chalo pehle operating activities ka start karte beta. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज नेट प्रॉफिट, व्हाट, बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट व्हाट बेटा, बिफोर टैक्स। अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी भाई पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। फर्स्ट नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा बेटा, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल। अब भाई नेट प्रॉफिट कितना है, आ जाओ सी एवरीवन, देखो नेट प्रॉफिट, यू कैन सी हियर नेट प्रॉफिट। अब देखो इधर प्रॉफिट एंड लॉस आपका 10,000, 10,000, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर 1500 और 22,000, तो टोटल आपका कितना आ रहा था इधर, देखो 10,000 प्लस 1,500, 15 मतलब कितना हो गया 11,500, और ये क्या हो गया 10,000 प्लस 22,000, 32,000, ठीक है। तो 11,500 आपका ओपनिंग है और 32,000 क्लोजिंग है, तो पता है ना क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल। तो आ जाओ व्हाट क्लोजिंग पीएनएल That is, कितना बेटा 32,000 माइनस ओपनिंग पीएनएल, राइट, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, ओपनिंग पीएनएल कितना बेटा अपना 11,500, दैट इज 11,500, ठीक है। क्लोजिंग पीएनएल 32,000 लेस ओपनिंग पीएनएल दैट इज 11,500, ठीक है। तो 32,000 माइनस 11,500 कितना आ गया बेटा 20,500। सो फर्स्ट नेट प्रॉफिट, वी गॉट द नेट प्रॉफिट, ओके। नाउ अब उसमें एड अप कर लो भाई, बिफोर टैक्स निकालना ना, व्हाट यू वांट आंसर दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भाई बिफोर निकालने के लिए अब जो भी माइनस हुआ रहेगा, इंटरिम डिविडेंड माइनस हुआ रहेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस हुआ रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हुआ रहेगा, वो सब प्लस कर दो ना, वो सब प्लस कर दो तो बिफोर आ जाएगा, राइट। तो चलो तो एड अप क्या क्या करना है अपने को, आ जाओ एड। सबसे पहले आपका इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है, इंटरिम डिविडेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना बेटा अपना 1000, ओके। इंटरिम डिविडेंड पेड इज व्हाट बेटा 1000 रुपीज, ये आ गया प्लस हो गया। फिर क्या अपना और क्या था बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या क्वेश्चन में, देख लेते हम, ट्रांसफर टू रिजर्व अपने पास है नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट गिवन, ठीक है। बाकी कुछ है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स का तो हमने वर्किंग नोट बनाया ना बेटा, देखो टैक्स कितना है अपना, You can see here tax
टैक्स का प्रोविजन कितना है, 11,000 था, ठीक है, तो वो प्लस कर दो, क्योंकि ये टैक्स का प्रोविजन क्या रहेगा, तो माइनस किया रहेगा ना पहले, अब क्या करना है आपने को, प्लस करना है, रिवर्स जाना है, तो दैट विल बी एडेड बिफोर टैक्स निकालना है, तो ये एड करना पड़ेगा आपको, तो ये 11,000 प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर, वो प्लस कर दो, सो व्हाट, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर व्हाट, करेंट ईयर, ठीक है, हाउ मच इट इज, 11,000, ठीक है, 11,000, तो ये भी प्लस कर दिया, तो गेट द टोटल, और तो कुछ है नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं आपके पास, तो 1 + 11 हो गया अपना 12,000, ये आ गया अपना 12,000, प्लस किया तो अपने को मिल गया बेटा हाउ मच, 12,000, ठीक है, चलो अब 20,500 प्लस 12,000 कितना हो गया बेटा, 32,500, अब यही 32,500 क्या हो गया आपका एनपीबीटी, इज व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर, ये आपका एनपीबीटी आ गया, ओके, गॉट इट, चलो अब एनपीबीटी के बाद क्या करते हैं बेटा हम लोग, एडजस्ट क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सो चलो आ जाओ, अभी एडजस्ट एडजस्ट वो बेटा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है बेटा, व्हाट एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, चलो अभी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या, बेटा नॉन कैश आइटम में अपने पास क्या है, डेप्रिसिएशन है, एज यू ऑल नो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो डेप्रिसिएशन किसके किसके ऊपर था बेटा, डेप्रिसिएशन आ जाओ देखो, आपने वर्किंग नोट बनाया होगा, सो सी सी हियर डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन आपको आ गया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, आपको डेप्रिसिएशन आ गया था 4,000 का, बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, तो ये 4,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो तो भाई नॉन कैश आइटम है, सो दैट विल बी एडेड, सो ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कितना है अपना 4,000 जो वर्किंग नोट से आया, देखो ठीक है, सो दिस डेप्रिसिएशन विल बी एडेड हियर, सो डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर था आपका, डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और ये किससे आया, वर्किंग नोट अपना जो था, क्या था वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर क्या था, ये वर्किंग नोट नंबर 1, अच्छा 2 से था, सो वर्किंग नंबर 2 से अपना डेप्रिसिएशन आया था, 2 है कि 3 है देख लो, अच्छा इससे आया ना एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 3 लिखो, 3, वैसे भी सब लिंक ही है, 1, 2, 3 पूरा एक दूसरे से लिंक्ड है, तो फिलहाल अपने को डेप्रिसिएशन का बैलेंस किस में मिला, वर्किंग नोट नंबर 3 में, तो वो 3 दिखा दो ना भाई, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आया ना, और वो नंबर कौन सा है, वर्किंग नंबर 1 अपना देख लो इधर, सी शो कर देता हूँ, वर्किंग नंबर 1 अपना क्या था, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट था, वर्किंग नंबर 2 अपना प्लांट एंड मशीनरी है, वर्किंग नोट नंबर 3 है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये बैलेंस उधर ही आया ना 4,000 का, दैट्स इट, ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3, ओके, चलो सो कितना आता बेटा डेप्रिसिएशन अमाउंट, 4,000, दिस डेप्रिसिएशन अमाउंट इज व्हाट, 4,000, ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ, देखो लॉस भी हुआ था, आपने वर्किंग नंबर 1 देखा था ना बेटा, उसमें लॉस ऑन सेल आया था कि नहीं बेटा,
तो लॉस ऑन सेल भी क्या आपका, दैट इज ऑल्सो नॉन कैश आइटम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंडर आ जाएगा। सो अभी लॉस है तो क्या करना है, लॉस प्लस करना है। फॉर्मेट तो पता ही है, फंडा पता ही है, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है। देखो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक आपको क्या करना है, रिवर्स कैलकुलेशन। लॉस है तो प्लस, प्रॉफिट है तो माइनस। तो चलो लॉस ऑन व्हाट बेटा, सेल ऑफ प्लांट। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है अपना, लॉस कितना आता है बेटा, 1000 रुपीज। ठीक है चलो प्लस कर लो, कितना हो गया, 5000। और तो कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है नहीं, बराबर है, और कुछ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है क्या अपने पास पूरे क्वेश्चन में, नहीं है। हमने पूरा क्वेश्चन देखा था लास्ट लेक्चर में विद वर्किंग नोट्स। सो ये हो गया 5000। चलो ये आ गया बेटा 5000, टोटल कर लिया तो कितना आ गया, 37500। वेरी गुड। अब ये जो 37500 आया आपका, दिस इज व्हाट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आ गया बेटा, दिस इज व्हाट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर व्हाट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है ये आ गया आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है चलो बेटा अब क्या करना है, अब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट, कौन सा प्लस हो रहा है कौन सा माइनस। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल बताया मैंने लास्ट लेक्चर में भी, हम लोगों ने देख लिया है बेटा, ऑल वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो। सो आ जाओ अभी क्या देखा था आपने, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स था, और क्रेडिटर्स क्या हुआ 14 से 11, मतलब डिक्रीज इन क्रेडिटर है। क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिटर डिक्रीज हुआ मतलब क्यों डिक्रीज हुआ, आपने पेमेंट किया रहेगा ना तो गया, बराबर है, पैसा गया तो माइनस। या फिर दूसरा ट्रिक बताया मैंने, दूसरा लॉजिक अगर भूल गया तो, दूसरा लॉजिक क्या है, लायबिलिटी कम हो रही ना, लायबिलिटी कम हो रही तो प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा इधर माइनस, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन में प्रॉफिट क्या होता है माइनस और लॉस क्या होता है प्लस। बराबर है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक रिवर्स कैलकुलेशन का फंडा यूज करना है। तो वैसा भी आप वो लॉजिक भी लगा के यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है और इधर करंट एसेट में क्या था, आपके पास स्टॉक था और डेटर्स था। स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है, डेटर्स भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ेगा मतलब खरीदा होगा ना तो पैसा जाएगा। या फिर दूसरा फंडा, करंट असेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, करंट असेट असेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो माइनस करना है। तो मतलब जितने भी है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी सब माइनस करने हैं अपने को। चलो आ जाओ स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो सबसे पहले डिक्रीज इन क्या था अपना, क्रेडिटर्स। डिक्रीज इन व्हाट बेटा, क्रेडिटर्स। अब डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना होगा, डिफरेंस निकाल लेना, कितना है 3000 ना, शो कर देता हूं मैं डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स कितना, 14 और 11 का डिफरेंस है, राइट है, 14,000 and 11,000। चलो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स के बाद क्या है अपना, इंक्रीज इन स्टॉक। अब इंक्रीज इन स्टॉक जो है बेटा अपना, इंक्रीज इन स्टॉक देख लो, स्टॉक 14 से 15 हुआ, मतलब 15 और 14 का डिफरेंस, 15 माइनस 14 कितना हो गया, 1000। ठीक है चलो नेक्स्ट, डेटर्स में 10 और 15, ठीक है डेटर्स क्या, 10 और 15 का डिफरेंस,
तो डेटर्स में भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स 10 और 15 का डिफरेंस, मतलब 15 माइनस 10, ठीक है, कितना हो गया 5000। How much it is? 5000. Got it? Done? चलो आ जाओ, अब आ जाओ, come on. देखो सारे negative balance है तो सबका add up कर लो, 3 plus 4 और plus 5 कितना हो गया directly 3, 1, 4 plus 5, 9000 negative आ गया। तो ये 9000 आपका क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव बैलेंस। चलो तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यहां मिला अपने को क्या, कैश, और इधर ही तक हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, पता है ना, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, नहीं रे बाबा, प्रॉफिट हुआ तो माइनस, लॉस हुआ तो प्लस, याद रखना, भूलना नहीं, रिवर्स कैलकुलेशन बोल रहा हूं। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब प्रॉफिट हुआ तो माइनस, लॉस हुआ तो प्लस। नॉर्मली क्या करते हो आप, प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, लॉस होता है तो माइनस होता है, बट इधर क्या करना है आपने को, बराबर है, रिवर्स जा रहे हो ना, नेट प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हो, ऑपरेशंस पे जा रहे हो, तो नेट प्रॉफिट नीचे रहता है, ऑपरेशंस ऊपर होता है। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा ना कैलकुलेशन, बराबर है, जो प्लस किया वो माइनस करने का और जो माइनस किया वो प्लस करने का, सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए लॉस होगा, एक्सपेंस हो रहा है तो लॉस अगर इधर है तो प्लस करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करना है, रिवर्स कैलकुलेशन, है कि नहीं, बराबर। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, है कि नहीं, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, समझा कि नहीं। अभी डेप्रिसिएशन क्या करते हो आप, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते थे ना, बट अब क्या कर रहे हो आप, रिवर्स जा रहे हो, इसलिए डेप्रिसिएशन क्या करते हो, प्लस करते हो, लॉस क्या करोगे, प्लस कर रहे हो, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हो ना आप, नेट प्रॉफिट जो नीचे है, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो रिवर्स कैलकुलेशन, बराबर है, जो माइनस हुआ है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस हुआ है माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। तो चलो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन अपने को मिल गया, सो हाउ मच इट इज कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, 28,500, ओके। चलो तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन भी आ गया बेटा, आ जाओ नेक्स्ट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद फॉर्मेट बना देता हूं मैं, इधर वही अपना इनर आउटर अमाउंट इन रुपीस, ठीक है, इनर आउटर अमाउंट इन रुपीस, गॉट इट। चलो इनर आउटर अमाउंट इन रुपीज आ गया, आ जाओ। तो पहले क्या, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, अभी इसमें से माइनस क्या करना है, लेस क्या करोगे, नॉर्मल सी बात है, क्या लेस टैक्स पेड। अब आपका टैक्स पेड कितना है, इनकम टैक्स पेड, वो है ना आपके पास, पता है ना आपको, तो दिया भी था क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में भी दिया है, ठीक है, इनकम टैक्स पेड। तो आ जाओ, देखो पेड तो आपको पता ही है, you can see here tax paid for the year amounted rupees 6000, that's it, so ye ho gaya aapka 6000 tax paid hai, minus karega to finally apne ko kya mil jayega, cash flow from operating activities, to aa jao 28500 minus 6 to kitna aa gaya answer 22500, positive answer aaya, matlab kya ho gaya, cash flow, कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन, नाउ सेकेंड वन आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड वन, अब सेकेंड वन जो होगा दैट विल बी व्हाट, योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम cash flow from investing
एक्टिविटीज, ठीक है। चलो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग में आखिर क्या क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या होगा बेटा, तो चलो आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला, चलो इन्वेस्टिंग में क्या क्या था आपने पास, आपने वर्किंग नोट देखा ही है बेटा। सी सबसे पहला तो आपका था सेल, सेल वैल्यू दिख रहा है ये, सेल ऑफ प्लांट, सेल 1000, तो सेल करेगा तो पैसा आएगा ना बेटा, तो सीधा सा सवाल है। तो पहला तो सेल ऑफ प्लांट है, उसमें कैश आएगा आपको, सेल ऑफ प्लांट, चलो हाउ मच 1000। फिर और कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, परचेज ऑफ प्लांट भी है, देखो इधर आपने प्लांट परचेज किया वो यहां से देख सकते हो, टू कैश बैंक, प्लांट में जो बैलेंसिंग फिगर आया था टू कैश बैंक, इसका मतलब प्लांट खरीदा होगा ना 10,000 का, सो परचेज ऑफ प्लांट, इसमें कैश गोज आउट होगा आपका, परचेज करोगे तो कैश गोज आउट, तो परचेज ऑफ प्लांट में कैश आउटफ्लो होगा बेटा, परचेज ऑफ प्लांट कितना 10,000, राइट। उसके बाद परचेज ऑफ प्रॉपर्टी भी है आपका, प्लांट हो गया और कुछ है क्या इधर, बस बाकी आपका इसमें से आ जाएगा, देखो यहां देख सकते हो आप, सी अभी देखो इधर आप देख सकते हो प्रॉपर्टी दिया बेटा, प्रॉपर्टी 20 और 25, 20 से 25 हो गया मतलब 5000 से, देखो इसका आप दो ट्रीटमेंट कर सकते हो अल्टरनेट, या तो प्रॉपर्टी का क्या करो एप्रिसिएशन ले लो, एप्रिसिएशन लोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, एप्रिसिएशन अगर आपने लिया तो ऊपर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, ठीक है मानना पड़ा, तो एप्रिसिएशन ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। बट अगर आप एप्रिसिएशन नहीं ले रहे हो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप परचेज भी ले सकते हो, दूसरा ऑप्शन कि भाई चलो 5000 का परचेज क्या होगा प्रॉपर्टी, तो परचेज का परचेज करेगा तो भाई कैश आउटफ्लो ही होगा ना, तो आ जाओ तो दोनों जगह माइनस ही होगा, ऊपर भी माइनस होगा नीचे भी माइनस, लेकिन अगर आप ऊपर ले रहे हो तो नीचे मत लेना, नॉर्मल सी बात है। अगर आप एप्रिसिएशन ट्रीट कर रहे हो तो एप्रिसिएशन ही ट्रीट करो, बट अगर आप इसको परचेज ट्रीट कर रहे हो कि इतना आपका परचेज है तो परचेज में दिखाने का, परचेज ऑफ व्हाट बेटा प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, हाउ मच इट इज 5000, ठीक है चलो आ जाओ कर लो 1000। अभी 10 प्लस 5 15 माइनस 1 कितना हो गया 14000, ये भी नेगेटिव आंसर आ गया, नेगेटिव आंसर। सो दिस इज व्हाट, अब देखो इधर नेगेटिव आंसर आ रहा है मतलब क्या हो गया, कैश यूज्ड हो रहा है, कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है चलो ये कैश यूज्ड हो गया, नेगेटिव आया मतलब कैश यूज्ड। चलो लास्ट एक्टिविटी कौन सा बचता है अपना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है लास्ट वन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो फाइनेंसिंग में अपने पास क्या है बोलो, फाइनेंसिंग में अपने पास क्या था बेटा, एक तो इश्यू ऑफ शेयर्स था एट प्रीमियम, आ जाओ क्या इश्यू ऑफ शेयर्स आपने किया है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है, चलो तो कितना आप देख सकते हो इधर, देखो 30 से 40 हुआ मतलब 10,000 और प्रीमियम आपको मिला 1,000, तो टोटल कितना आ गया 11,000, 11,000 का कैश इनफ्लो हो जाएगा बेटा, तो इधर 10,000 का फेस वैल्यू मिल रहा है और 1,000 का प्रीमियम मिल रहा है, तो टोटल हो गया 11,000 का कैश इनफ्लो, दिस इज व्हाट कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज 11,000, ओके कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज व्हाट बेटा 11,000। चलो
उसके बाद क्या है, आपने डिबेंचर रिडीम भी किया है, देखो सी, फिर आपका कौन सा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, डिबेंचर रिडीम है, देखो डिबेंचर 15 से 10,000 हो गया, मतलब 5,000 का डिबेंचर रिडीम हुआ, बट आपको प्रॉफिट हुआ था रिडेम्पशन पे 200 का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने कितना कैश दिया रहेगा 4,800 ही ना, तो दिखा दो डायरेक्टली नेट इफेक्ट दिखा दो 4,800 का, तो डिबेंचर रिडीम, डिबेंचर्स व्हाट बेटा रिडीम्ड एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स रिडीम्ड एट व्हाट बेटा डिस्काउंट, ठीक है, कितना 5,000 का डिबेंचर रिडीम हुआ है, बट 200 हमने क्या प्रॉफिट हो गया था अपने, मतलब 200 प्रॉफिट डिस्काउंट पे रिडीम किया, मतलब 200 का अपने को कम देना पड़ा, ठीक है, ये 200 अपना प्रॉफिट हो गया, कंपनी का क्या हो गया बेटा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, सो मतलब कंपनी का कैश आउटफ्लो कितना क्या रहेगा, ओनली 4,800, बराबर है, कंपनी का कैश आउटफ्लो कितना क्या रहेगा बेटा 4,800, दैट्स इट, बराबर है, कंपनी का कैश आउटफ्लो कितना क्या रहेगा 4,800, सिंपल सा फंडा भाई, जो आपको प्रॉफिट हुआ आपने रिडीम किया डिस्काउंट पे तो उतना प्रॉफिट हो गया, तो 5,000 माइनस 200 कम दिया रहेगा ना आपने, तो डिस्काउंट पे रिडीम किया तो 200 कम दिया, मतलब 4,800 ही कैश गया, तो ये आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में दिखा दिया, दैट्स इट, और बचा क्या अपना इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, चलो अभी इंटरिम डिविडेंड पे किया आपने, कितना पे किया वो तो पता ही था 1,000 रुपीज, वो आपका इंटरिम डिविडेंड पेड है 1,000, ठीक है, चलो अब सबका कैलकुलेशन कर लो, 11,000 है, 4,800 और 1,000, चलो कितना आ गया माइनस करके पूरा, 5,200 पॉजिटिव आ रहा है, ओके 5,200 पॉजिटिव, सो ये जो आया वो क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या आ गया आपको, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है 5,200, चलो अब सबका एड अप कर लो, तो क्या मिल रहा है आपको, नेट इंक्रीज या डिक्रीज देख लो, 22,500 पॉजिटिव, 5,200 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कितना आ रहा है 13,700, ओके पक्का, ओके 13,700 आया, तो बेटा ये क्या हो गया फिर, पॉजिटिव आंसर आया, मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पॉजिटिव आंसर मींस नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो पॉजिटिव आंसर मींस नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, राइट, अब बेटा इसमें क्या करना है आपको, प्लस क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू ऐड, यस इसमें ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, चलो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है उसके लिए आप क्वेश्चन देख सकते हो अपना, देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या है अपना बैंक बैलेंस है, दिख रहा है ओपनिंग कितना है 3,500, तो प्लस कर दो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज व्हाट 3,500 प्लस हो गया, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कितना आ रहा है, कितना 17,200 बस, तो ये आपका हो गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दिस इज व्हाट योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट्स इट, दैट्स डन, फिनिश, अब आंसर क्रॉस चेक करना है तो देख लो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उतना ही है क्या 17,200, यू कैन सी हियर, यस इट इज क्लियर, तो ये हो गया अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी, पूरा स्टेटमेंट बन गया,
ठीक है, पूरा हमने अरेंज कर दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और लास्ट में अपना नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, डन। क्लियर हो गया, डन सबका? ओके।